नमस्कार, मैं प्रतीक्षा वर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24 इंटू 7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल्द ही लॉ में विलय किया जाएगा। अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। उनके इस बयान पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। भारत सरकार ने इस मामले में कई ट्वीट किए हैं। भारत सरकार के सूत्र ने कहा कि अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही है, इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के ज्वाला में मिला दिया गया है। ये अजीब बात थी कि अमर जवान ज्योति की लौ ने 1971 और अन्य युद्धों में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनका कोई भी नाम वहाँ मौजूद नहीं था। सरकार ने आगे कहा कि यह विडंबना ही है कि जिन लोगों ने 7-10 तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया, अब वे हंगामा कर रहे हैं। अब युद्धों में जान गंवाने वाले हमारे भारतीय जवानों को स्थायी और उचित श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक अन्य ट्वीट में सरकार ने लिखा, 1971 और उसके पहले और बाद के युद्धों सहित सभी युद्धों में सभी जान गंवाने वाले भारतीय जवानों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में रखे गए हैं, इसलिए वहां युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय जवानों को देने वाली ज्योति का होना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह एक राष्ट्रीय त्रासदी है और इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अमर जवान ज्योति को युद्ध स्मारक मशाल में मिलाने का मतलब है इतिहास मिटाना। भाजपा ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अमर जवान ज्योति को बुझा सकते हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अमर जवान ज्योति का आज दोपहर 3:30 राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल्द ही लॉ में विलय किया जाएगा। यह इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जहाँ 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं।